अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। आमिर लोगों से दूर रहे, सबसे ज़्यादा जादू और सफलिंग वही आपके ऊपर कर रहे हैं, तभी आपका कोई अमल कामयाब नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज एक खास अमल, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कि आपके अमल कामयाब क्यों नहीं होते। हो सकता है आप पर जादू हो सकता है आप पर बंदिश हो सकता है सफली लम हो, काले लम के असरात हो, इस वजह से हो सकता है कि आपका कोई अमल कामयाब नहीं होता। सबसे पहली और सबसे प्यारी बात यह है कि आप मदरसे वालों से रابطہ कर सकते हैं। मैं आपकी बहन ज़रूर आपकी मदद करूंगी। उसके बाद दूसरी बात ये है कि गलत अमीर लोगों के पास ना जाएं। जादू करना और करवाना हराम है। अल्लाह के कलाम से मदद हासिल करें। आज का जो अमल ख़ास है आपके प्यारों को पाने के लिए, जो बहुत दूर हो गए, जो आपसे मिलना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, नाराज़ हो गए, लेकिन आप उनको भुला ही नहीं पाए, आप उनको भूल ना पाए, आज उस चीज़ का एक ख़ास अमल। इस अमल को करने से पहले वक्त इशा का ज़रूर रखें। दिन आप अपनी पसंद से कोई भी रख लें, सारे दिन अल्लाह के हैं। दुरूद पाक 11 बार ज़रूर पढ़ें। दुरूद पाक 11 बार ज़रूर पढ़ें अमल करने से पहले और अमल के आखिर में। हर अमल का एक दुरूद पाक से तल्लक है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब लिया जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ जुड़ जाते हैं। नमाज की पाबंदी करें। अमल को गौर से सुने, फिर इसका तरीका भी समझें। इसमें इलाही या वदूद, इसमें इलाही या वदूद को इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ किसी मीठी चीज़ पर दम कर लें। ठीक है, मीठी चीज़ कोई भी ले लें, मिठाई ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल तो लोग गिफ्ट में भी चॉकलेट दे देते हैं या इस तरह की चीज़ें लाते हैं, खजूर भी ले सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे। उस मीठी चीज़ पर अमल किया जा सकता है और पानी का एक गिलास ले लें। ठीक है, या पानी पर अमल कर लें। अब मीठी चीज़ आप अपने प्यारे को खिला दें या पानी को उसे पिला दें। जो ये नक्श है, जो मैं स्क्रीन पर भी चला दूंगी, ये नक्श आपने बना लेना है। इस नक्श को अगर आप अपने बाजू पर बांध लें, ठीक है, या नक्श को भी मतलूब को पिलाया जा सकता है। अगर नहीं पिला सकते तो नक्श को लिख कर अतरे गुलाब पर, जैसे अत्तर होता है, जो ये देखें, ये मैंने एक लिया है अत्तर, ठीक है, इस अत्तर को आप ले सकते हैं और इसको ना आप इस नक्श को इसमें डाल दें और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं खुशबू के लिए। बाजू पर भी बांध सकते हैं और इत्र में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सा भी ले लें। गुलाब का इत्र ले लें, कोई अच्छा सा सेंशन ऑयल ले लें, जो आप लगा सकें, आप उसमें इसका इस्तेमाल करके आप लगा लें। जुम्मतुल मुबारक वाले दिन आप इसको लगा सकते हैं, तो जैसे जैसे खुशबू फैलेगी आपका प्यारा आपकी तरफ दीवाना हो जाएगा। दूसरी बात, तीसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको अपने गले में भी पहन सकते हैं। इस नक्श को, इस नक्श को आप अपने गले में भी पहन सकते हैं। बहुत आसानी से आप इसको, इस नक्श को अपने गले में पहन लें सिर्फ 3 दिन के लिए। फिर इस नक्श को पानी में डिबो कर भिगो लें और फिर जब ये नरम पड़ जाए तो पानी को किसी पौधे में या दीवार पर बहा दें। ठीक है, ये इसका खास तरीका है।
और आपने या वदूदू जब आपने अमल करना है ना, जब आपने नक्श लिखना है, या वदूदू आपने ला तादाद पढ़ना है, जब तक ये नक्श लिखा ना जाए तब तक आपने या वदूदू का जिक्र करते ही रहना है, ठीक है। जब तक ये नक्श तैयार ना हो जाए आपने या वदूदू का जिक्र करते ही रहना है। अब ये जो नक्श है, ठीक है, आपने इसको इतर में इस्तेमाल करना है, तब भी या वदूदू पढ़ के इतर पे दम कर दें। गले में अगर डालना है तब भी या वदूदू पढ़ते रहें, जब तक गले में ना पहन लें, नक्श तैयार ना हो जाए और गले में पहन लें, दिल में आप बस दुआ करते रहें। अगर ये तमाम चीजें, अमल, नक्श, गले में डालना, अगर आप गले में नहीं डाल सकते पानी में, मीठी चीज पे, अगर देखें नक्श को अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके मैंने दो तरीके आपको समझाए, ठीक है। नक्श को मैंने आपको बताया है कि ये नक्श कौन सा है, आप पानी में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, पानी में आप इस्तेमाल करके मतलूब को खिला पिला सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर आप इसको अतर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं तो इसको गले में भी पहन सकते हैं, अगर नहीं तो इसको बाजू में भी बांध सकते हैं, ठीक है। अगर ये तमाम अमल आप नहीं कर सकते तो या वदूदू को 1100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, या वदूदू को 1100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आप पढ़ें और तस्वीर पे दम कर दें, आपका मकसद इंशाल्लाह कामयाब होगा। 3 दिन में आपका प्यारा हाजिर भी होगा। अगर आपको उसने ब्लॉक किया है, नाराज़ है, तो वो आपसे आ मिलेगा, आपसे बात करेगा, आपसे रابطे में रहेगा। ये एक ख़ास अमल का तरीका मैंने आपको बताया है, ये ज़रूर करें। अब आपको ये अमल किस मकसद के लिए दिया जा रहा है, या आप क्या मकसद जो भी आपके दिल में है, निकाह का है, शादी का है, पसंद की शादी का है, रिश्तों की बंदिश का है, तो रिश्तों की बंदिश में नक्श का इस्तेमाल करें। मियां बीवी के मसाइल में भी नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं तब भी नक्श का इस्तेमाल करें। घरेलू लड़ाई झगड़ा है तब भी इसका नक्श इस्तेमाल अल्हम्दुलिल्लाह आप कर सकते हैं। तो एक दफ़ा ये अमल ख़ास अपने प्यारों को पाने के लिए ज़रूर करें और फिर देखें आपका मसला कितनी जल्दी हल हो जाता है इंशाल्लाह। आमीन। लोगों से दूर रहें, गलत ना करें, अल्लाह पाक नाराज़ हो जाते हैं। अल्लाह का कलाम काफ़ी है इंशाल्लाह। अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है, अल्लाह के कलाम से मदद हासिल करें। जज़ाकअल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, या अमल करवाना चाहते हैं, या अमलियात सीखना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी, कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं। जज़ाकअल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रابطہ करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फ़न या इंटरटेनमेंट नहीं है। अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं, उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकअल्लाह।